में भी हमें चार सेट्स गिवन हैं, ए बी सी एंड डी। ए सेट में है 3, 6, 12, 15, 18, 21। बी सेट में है हमारे पास 4, 8, 12, 16 एंड 20। सी सेट में है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड डी सेट में है 5, 10, 15 एंड 20। अंडरस्टूड? तो हमें ये फॉलोइंग पार्ट्स निकालने हैं। ओके नाउ, सबसे पहले तो मैं आपको समझा देती हूँ कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है किसी भी दो सेट्स का। अब जैसे मैं यहाँ पर समझा देती हूँ कि ये एक यूनिवर्सल सेट है। ओके इसके अंदर एक सेट है ए और एक सेट है बी। ओके, डोंट माइंड माई ड्रॉइंग। एक सेट है ए एंड एक सेट है बी एंड दिस इज द यूनिवर्सल सेट। अब मैं कह रही हूँ मुझे ए माइनस बी चाहिए, तो मतलब ए तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसमें से बी नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? तो देखो, मुझे ए तो चाहिए ही चाहिए, ए क्या है मेरा ये, लेकिन इसमें बी का पार्ट नहीं होना चाहिए। मुझे बी नहीं पसंद, मुझे बी नहीं चाहिए, तो मैं ये बी का पार्ट जो है ये हटा दूंगी, तो मेरा ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट। ओके, कैन यू सी द हाईलाइटेड पार्ट है? ओके, लेट मी हाईलाइटेड। प्लीज वेट। ओके, सो ए माइनस बी कौन सा पार्ट है? सिर्फ ये वाला, दैट आई हैव हाईलाइटेड इन येल्लो कलर। ओके, दिस इज द ए माइनस बी पार्ट, कि ए तो है लेकिन बी नहीं चाहिए मुझे, मुझे सिर्फ ए चाहिए। ओके, सो आप ए माइनस बी को ओनली ए बी लिखते हैं। ओके, दिस इज द जनरल फॉर्म आई एम टेलिंग यू, इट इज ओनली ए। अंडरस्टूड? ऐसे ही ए माइनस सी क्या होगा, ओनली ए। ए तो है बट सी पार्ट नहीं होना चाहिए उसमें। ए माइनस डी इज ऑल्सो ओनली ए, तो ये तीनों ही ओनली ए हैं। अब बी माइनस ए क्या होगा, ओनली बी। अंडरस्टूड? बी माइनस ए विल बी ओनली बी, सी माइनस ए विल बी ओनली सी, डी माइनस ए विल बी ओनली डी, बी माइनस सी ओनली बी। ये भी ओनली बी के केसेस हैं। ओके, सो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। ए माइनस बी, अब मुझे ए सेट पता है, मुझे बी सेट पता है, तो ये है मेरा ए सेट। अब आप देख सकते हैं कि ए और बी में क्या क्या कॉमन है, ठीक है। ए में ऐसा क्या पार्ट है जो बी का भी पार्ट है? ओके, तो पहले मुझे दिख रहा है 12, अरे ये तो ए में भी है। ओहो, और कौन सा है? और तो कोई भी नहीं है, तो ए में सिर्फ एक ही पार्ट है बी का, दैट इज 12। और मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी, तो मैं 12 को रहने देती हूँ, मैं सिर्फ 12 को छोड़कर जो सेट बचा है वो लिख देती हूँ, दैट इज 3, 6, 15, 18, 21। सो दिस इज माई रिक्वायर्ड ओनली ए सेट, जिसमें बी है ही नहीं। ओके, अंडरस्टूड? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। सेकेंड पार्ट, ए माइनस सी। अब मैं दो कौन से सेट्स कंसिडर करूँगी, ए और सी को, तो सी में मतलब ए में ऐसा कौन सा पार्ट है जो सी में भी है? ओके, तो ऐसे कौन से पार्ट हैं देख लेते हैं। ओ, 12 तो है ही, 12 तो फिर से है, ए में भी है, सी में भी है, बी में भी है, लेकिन ए में तो सी का पार्ट हो गया ना जो हमें नहीं चाहिए। और कौन सा सेट है जल्दी देखो, 6, या 6 आई कैन सी। 6 जो है ए में भी है, सी में भी है, लेकिन मुझे तो ए में सी का पार्ट चाहिए ही नहीं, तो मैं 6 क्यों लूँ? और कौन सा पार्ट है? और तो कोई पार्ट है ही नहीं, तो 6 और 12 को छोड़ के जो भी मेरे पास बचेंगे, दैट इज ओके, सॉरी देयर इज अ मिस्टेक इन द आंसर, 18 भी लिखोगे आप इसमें। ओके, 18 भी आएगा, क्योंकि 18 सी का पार्ट नहीं है और मुझे ए माइनस सी चाहिए, तो मैं आराम से इसको लिख सकती हूँ। तो 3, 15, 18 एंड 21 विल बी माई आंसर। अंडरस्टूड? क्योंकि मुझे सी का पार्ट नहीं चाहिए ए में, और सी का पार्ट कौन से है, 6 और 12, मुझे ये दोनों ही नहीं चाहिए, तो मैं सिर्फ लिख दूंगी 3, 15, 18 एंड 21। ओके, थर्ड पार्ट, ए एंड डी, तो ए और डी को देखूंगी। डी में है 5, 10, 15 एंड 20। ए में 5, 10, 15 या 20 में से कोई है? हाँ, सिर्फ एक ही है, 15, बाकी सारे डी में नहीं है, तो 15 को छोड़ के बाकी सारे लिख दूंगी 3, 6, 12, 18 एंड 21। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ ए माइनस डी चाहिए। ओके, मैं अब बी और सी को भूल चुकी हूँ, मुझे सिर्फ ए माइनस डी चाहिए, और डी में जो भी एलिमेंट होगा वो ए में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, क्योंकि ए ने उसको माइनस कर दिया है अपने से। ओके, फोर्थ पार्ट, बी माइनस ए। अब बी के तो सारे एलिमेंट होने ही चाहिए, लेकिन उसमें ए का कोई एलिमेंट ना हो बस,
तो ए में कौन सा एलिमेंट है, हमने अभी बताया था 12 ही है, सॉरी 12 ही है वो एलिमेंट, तो 12 को एक्सक्लूड करके बी में जितने भी एलिमेंट्स बचते हैं 4, 8, 16 एंड 20, ये हमारा हो जाएगा बी माइनस ए सेट, दैट इज ओनली बी। अब सी माइनस ए, सी तो मुझे पूरा चाहिए ही चाहिए, लेकिन जो ए का पार्ट है ना इसमें से, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो मुझे नहीं चाहिए। ए के पार्ट कौन से हैं, दो पार्ट्स हैं ए के, एक तो 6 है और एक 12 है, तो 6 और 12 को छोड़ के जितना भी सी वाला बचता है वो मेरा हो जाएगा ओनली सी, दैट इज 2, 4, 8, 10, 14 एंड 16, सिक्स्थ पार्ट। डी माइनस ए, डी का सारा पार्ट तो चाहिए ही चाहिए, पर जो भी इसमें ए का पार्ट है ना वो नहीं चाहिए मुझे, तो ए का पार्ट कौन सा है, ओनली 15 इज द पार्ट, तो डी के 15 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स है दैट इज 5, 10 एंड 20, दैट विल बी माय ओनली डी पार्ट। सेवेंथ पार्ट, बी माइनस सी, बी तो पूरा ही चाहिए पर जो सी का पार्ट है ना वो नहीं चाहिए, तो अब ये तो मैंने निकाला ही नहीं है कि बी में सी का पार्ट कौन सा है, एक तो 12 है, ओके एक तो 12 है, और कौन सा है, 8 है, 8 को ऐसे कर देती हूँ, हाईलाइट कर दूँ, ओके 8 को मैं हाईलाइट कर देती हूँ, 8 है, 12 है, यहाँ पर भी 8 है, 12 है, और कौन सा पार्ट है, 16 भी तो है, अरे और 4 भी है, अरे हाय बी में तो सी का कितना ज़्यादा पार्ट है ना, और अब क्या बचा है, सिर्फ 20 बचा है, तो इसीलिए बी का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसमें सी है ही नहीं, सिर्फ 20, सो आई विल ओनली लाइक 20, अंडरस्टूड। अब बी माइनस डी, बी में ऐसा कौन सा पार्ट है डी का, ओके तो बी में 5, 10, 15, 20 में से कौन सा है, 20 है, बाकी सारा कोई भी नहीं है, तो 20 को छोड़ के जो भी एलिमेंट्स बचेंगे दैट इज 4, 8, 12 एंड 16, वो मेरा बी माइनस डी पार्ट में हो जाएगा, अंडरस्टूड।